दोस्तों अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए धोबी पॉइंट पे, जो कि कुल्लू से करीब बता रहे हैं कि 8000 फीट ऊपर है। और ये रास्ता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम पीछे बैठे हुए अलग ही यहाँ का मज़ा दे रहे भैया, ड्राइवर भैया प्रो लेवल। रास्ते सुहाने, रसोई सुहाना, बस उनके साथ वाला सफ़र सुहाना। तो चलिए पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेते हैं, उम्मीद करते हैं ऊपर जाके मौसम सही रहे, क्योंकि थोड़ा मौसम डिस्टर्ब हो रहा है। एंड उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर ऊपर मौसम सही नहीं रहे तो पैराग्लाइडिंग नहीं करवाएंगे, बट लेट्स सी आगे क्या मौसम होता है। बाकी अपडेट तो ऑब्वियसली बात आपको मिलती रहेगी, और हर इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे सुहाना स्पिरिट कसूम में, ओनली ऑन यूट्यूब। टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, फाइनली हम रेडी हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, और ये हमारे पायलट भैया है। आज हम इनके साथ इस सुहाना सफर का एक आनंद लेंगे, और लेट्स सी कैसा होता है यार। रजीश को भर क्या रहा भाई, इन अल्लाह हमारा यंत्र जिससे शूट होगा, क्योंकि मोबाइल नहीं उसका, गिर गया तो काफी बड़ा नुकसान होगा आपको। व्यू की जब लैंड करेंगे वीडियो लेंगे, अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे और आपको शो करेंगे। आगे रहो, आगे रहो, आगे रखो। और मेरी बात सुनो, छुट्टी के लिए करना बिल्कुल। हाँ, दौड़ना है ना सामने। चलो 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 चलो। यूहो, हाय फ्रेंड्स, सुहाना सफर में आज ये नया सुहाना सफर, और ये पैराग्लाइडिंग का मजा लेते हुए एक अलग एक्सपीरियंस। काफी प्यारा नजारा यहाँ से, ये कुल्लू की वादियाँ। सामने वाला ग्लाइडर है हमारे काफी ऊपर है।
भाई की याद आ गई। ओ भाई लैंड करा रहे, मुझे लैंड नहीं करा तो भाई बुला कर रहे। हाँ काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस, थैंक यू भैया। हाथ को उठाइए बहुत सर, एक मिनट छोड़ो इसको छोड़ो, लेते हमारे गए Thank you.
हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम रेसोर्ट पे हैं जो कि मनाली से कुल्लू तरफ बढ़ते हुए दृश्य पड़ता है, और हमें थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन मिला अच्छा वाला जहाँ हम थोड़ा रिवर साइड का मज़ा ले सकते हैं। और मनाली में पानी का धार बहुत तेज है, मतलब आप ऋषिकेश हरिद्वार में काफ़ी लोगों को देखते होंगे वहाँ पे वो स्नान करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा सच आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ आप कहीं रिवर साइड पे बैठ के एंजॉय कर सको, क्योंकि यहाँ का फ्लो बहुत तेज है और काफ़ी रिस्की होता है। इवन यहाँ के लोकल से हमने पूछा कि कोई ऐसा बेदिंग पॉइंट या कुछ ऐसा हो जहाँ हम बैठ सके, तो उन्होंने हमें मना किया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ का फ्लो है कब बढ़ जाए कब स्पीड हो जाए इसकी कोई नहीं जानता, तो ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो इवन आप जब आओगे कभी घूमने तो आप देखोगे कि बहुत रेयरली कहीं पॉइंट मिलेगा तो लोग एक दो तीन चार दिखेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे कि लोग रिवर साइड पे आके इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट पूछा, हमें ये मिला, काफ़ी अच्छा जगह है और हम यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किए, व्यू भी काफ़ी बढ़िया है और वाटर फ्लो भी काफ़ी तेज़ है। आई थिंक आपको आवाज़ में भी वो सुनाई दे रहा होगा, तो है बढ़िया है। हम भी फिर भी बहुत सेफली ही थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, साइड में थोड़ा सा पत्थर है, फ्लो कम है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर इन्जॉय किया, हमने फ़ोटोज ली और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के सफ़र जारी रखेंगे। सोचा कि एक व्यू आपको भी दिखा दें, तो ये व्यूज़ आपके लिए। फ्रेंड्स, अभी है हम मॉल रोड मनाली, काफ़ी भीड़ है, शॉप्स है, गुलाब जामुन यहाँ का साइज़ है, यहाँ के गुलाब जामुन है छोटे छोटे, बड़े हमारे वहाँ के जामुन बड़े होते हैं ऐसे, और दाम है बड़े बड़े, सामान है नाम मत और दाम है कलकत्ता से भी बड़े वाले रसगुल्ले के भी डबल दाम, खाइएगा नहीं क्योंकि हम मुँह मीठा करना महंगा पड़ सकता है।